हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम जो आती है तो हमारे मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले तो नेटवर्क की सेटिंग को रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, अब नेटवर्क की सेटिंग को रीसेट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीन लॉक अपने फोन पे लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है तो आपका नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगी तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी आपके मोबाइल फोन से। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये दो ऑप्शन मिलते हैं SIM 1 SIM 2। ठीक है, तो जिस सिम से आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है वो सिम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये पेज ओपन होगा। इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको 2G 3G 4G 5G आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन जो है 5G का है तो 5G के सामने वाले सर्कल पर आपको टिक मार्क लगाना है। अगर आपका मोबाइल फोन 4G का है तो 4G के सामने वाले सर्कल पर आपको टिक मार्क लगाना है। इस तरीके से आपको जो है बैक पेज पे आना है तो आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे टैप करना है। अब यहाँ पर आपका ये APN का पेज ओपन होगा। इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। तो यहाँ पर एक छोटा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे आपको टैप करना है। तो नीचे आपका लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। APN सेटिंग को आप रीसेट कर देंगे तो आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को जो है एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन के साइड में ना पावर बटन होता है, पावर बटन को आप उंगली से दबा के रखेंगे तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा। ठीक है, इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से दोस्तों क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी दूर हो जाती है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, कॉलिंग की दिक्कत आती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। रीस्टार्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि मोबाइल फोन का ये जो फोन ऐप होता है, फोन ऐप या कॉल ऐप जो भी आप इसे बोलते हैं, इसे आपको दबा के रखना है उंगली से। ठीक है, तो एक छोटा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये ऐप इन्फो या सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एक क्लियर स्टोरेज क्लियर कैच के दो ऑप्शन मिलते हैं। आपको पहले क्लियर कैच पे सेलेक्ट करना है तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से क्लियर स्टोरेज पे सेलेक्ट करना है तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा। इसमें आपको नीचे डिलीट पे टैप करना है तो आपका यूजर डेटा भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है लेकिन हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कमियां आने लग जाती है। तो आपका मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, ये आपको कैसे चेक करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। अब सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन या बटन नजर आता है तो उसे आपको अपडेट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है अपडेट होने लग जाएगा और अपडेट होने में कम से कम 5 से 10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन आपको जो है सिस्टम अपडेट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने देना है। आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे कि आप यहाँ पर इरेज ऑल डेटा पे ना सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन
फोन में जितना भी डेटा है, जैसे कि फोटो वीडियो जितना भी डेटा है, आपको अब दूसरे मोबाइल फोन में पहले तो ट्रांसफर कर लेना है, नहीं तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा जिसे आप बाद में रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको इरेज ऑल डेटा पर सेलेक्ट करने से पहले आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है ताकि आप उसे बाद में दोबारा लॉग इन कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस आपको बताए इन सभी को आप फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।